नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। हरिद्वार में बिजली का बिल और पोल का किराया वसूलने को लेकर यूपीसीएल और नगर पालिका आमने सामने आ गए हैं। यूपीसीएल ने नगर पालिका शिवालिक नगर को पिछले कई सालों से बिल न चुकाने पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल भेजा है, तो वहीं पालिका ने बिल को गलत बताते हुए यूपीसीएल से पोल और ट्रांसफार्मर का लगभग 4 करोड़ रुपए किराया वसूलने के लिए नोटिस भेजा है। यूपीसीएल और नगर पालिका शिवालिक नगर के अधिकारी एक दूसरे विभाग के आकलन को गलत बता रहे हैं। नगर पालिका शिवालिक नगर के अधिकारियों के मुताबिक पालिका 2014 में अस्तित्व में आई है। यूपीसीएल द्वारा बिल का आकलन किस तरह से किया गया है यह स्पष्ट नहीं है, जबकि यूपीसीएल के अधिकारी विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर का किराया वसूलने को गलत बता रहे हैं। अभी चार्ज लिया है, उसके बाद जो जानकारी ली है तो यूपीसीएल विभाग ने नगर पालिका के पास 2.6 करोड़ रुपये का बिल भेजा है, तो हमने उसको क्लेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा है कि भाई ये किस अवधि तक का बिल है, कितनी लाइटों का, ये जब वो क्लेरिफिकेशन करके देंगे उस पर आगे निगम उसका कार्रवाई की जाए। गणना की जा रही है, हमारे जो पोल्स वगैरह उनके जो पोल्स वगैरह लगे हैं हमारे क्षेत्र में उसके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक बना के उनको डिमांड भेजी जाए। लगभग कितनी डिमांड आपकी बैठती है? अभी आइडिया लगा सकते हैं 4 करोड़ के करीब बैठ सकते हैं। वहीं ऋषिकेश में देर रात चंद्रभागा पुल के पास नगर निगम ऋषिकेश द्वारा बनाए गए बायो टॉयलेट पर अचानक ही आग लग गई, जिससे ISBT रोड पर हड़कंप मच गया। मामले को लेकर बिजली काट दी गई, साथ ही तुरंत पार्षद देवेंद्र प्रजापति ने पहुंचकर आग की सूचना फायर ब्रिगेड को देकर जब तक फायर ब्रिगेड गाड़ी आती लोगों द्वारा बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग बढ़ती गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये बायोडायवर्सिटी टॉयलेट यात्रियों के शौचालय की सुविधा के लिए बनाया गया है। फायर के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। टॉयलेट के पीछे काफी कूड़ा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आग लग सकती है। संभावना ये भी है कि किसी ने माचिस की तिल्ली जलती हुई फेंक दी हो और कूड़े में आग लग जाने से टॉयलेट में आग लग गई। फायर की 2 गाड़ियों के द्वारा आग बुझाई गई, तब कहीं जाकर आग बुझी। का मुख्य कारण यहाँ पे कोई और तो नहीं हो सकता, केवल यही हो सकता है किसी धूम्रपान करके किसी ने जो है बीड़ी सिगरेट पी के और वहाँ दिया सिलाई छोड़ दी हो, ज्वलनशील सामग्री छोड़ दी हो, जिससे कूड़े ने आग पकड़ ली और उसके बाद जो है टॉयलेट में सारे टॉयलेट में फैल गई। तो हमारी एक गाड़ी पहले इसमें आई, उससे हमने हॉज पाइप लगा के आग बुझाने का प्रयास किया, फिर हमने देखा कि इसमें बुझने में टाइम लग सकता है, इसलिए हमने हाई प्रेशर हॉज ड्रिल का इस्तेमाल किया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार के अब तक के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गौचार मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये आरोप सरकार पर लगाए हैं। दरअसल आज रेस्क्यू अभियान का 10वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। इस रेस्क्यू अभियान में केंद्र सरकार की रेस्क्यू एजेंसी और राज्य सरकार की रेस्क्यू टीम मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने आज सुबह कही है बात कि मुझे सरकार की इच्छा शक्ति पर और सरकार की सामर्थ्य प्रश्न रखा हुआ दिख रहा है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, आज 10 दिन से अधिक समय हो गया है और 40 करोड़ के फंसे हैं और सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। हमने पहले तो कुछ नहीं कहा, आज ये कहना पड़ रहा है, पहले आज हम सुरंग को खोल रहे हैं, हम आधे से आगे पहुँच गए, फिर आप कह रहे हैं कि हम साइड से खोद रहे हैं, फिर तब तक कहने लगे कि हम ऊपर से खोद रहे हैं, तो आखिर सरकार कर क्या रही है, हमें चिंता होने लगी है। वहीं 71वां राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गौचर मेले का शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पर्वतीय समाज के लोगों का स्वरूप भी अपने में एक आकर्षण का केंद्र है और गौचर का यह प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मेला इसका उदाहरण है।
मेला किसी भी समाज का न सिर्फ लोगों के मिलन के अवसर होते हैं वरन सांस्कृतिक रोजमर्रे की आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थल और विचारों और रचनाओं के भी साम्य स्थल रहे हैं। उन्होंने गौचर मेले के सफल संपादन एवं मेले को नया आयाम देने के लिए सभी को बधाई दी। गौचर मेला जैसा कि आप जानते हैं औद्योगिक एवं सांस्कृतिक मेला है और ये राजकीय मेला है। 14 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर तक चलता है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के द्वारा किया गया और हमेशा किया जाता है और समापन माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया। मेला बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग आए और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। 71वें राज्य स्तर सांस्कृतिक एवं औद्योगिक विकास गौचर मेले के समापन पर आयोजित चल बैजंती प्रतियोगिता के अंतर्गत क्षेत्रीय स्कूल संस्कार द स्कूल के प्राइमरी एवं जूनियर वर्ग के छात्र और छात्राओं ने लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसका निर्देशन विद्यालय के म्यूजिक विभाग के शिक्षक रविंद्र चुनेरा ने किया। लोक गीत और नृत्य के साथ ही संस्कार द स्कूल के छात्र छात्राओं ने कई अधि विद्याओं तथा खेल प्रतियोगिताओं में भी कई पुरस्कार झटके, जिनमें उनका सहयोग विद्यालय के अन्य विभागों के अध्यापकों महेश रौतेला, पवन कुमार, मंजू शाह, रश्मि नेगी, अनुराधा रोजी, ज्योति भंडारी ने दिया। विद्यालय के प्रबंधक श्री राजेश निंगवाल, प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र बिस्ट ने भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। और प्राइमरी लेवल में जो मैंने फोक का करवाया था लोक नृत्य, थड़िया करवाया था और जूनियर लेवल का जो था मेरा लोक नृत्य था तांदी और जोड़ा। जो तांदी होता है टेरी गढ़वाल का जो लोक मुख्य लोक नृत्य है और जोड़ा जो होता है वो गढ़वाल का मुख्य लोक नृत्य है। तो गढ़वाल और कुमाऊँ की मिक्सअप करवाई थी मैंने। आई होप मुझे ये लगता है कि अच्छी स्थान पर हम अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्कूल है और हमने स्कूल से ये डांस किया। आज चल बैजंती है 20 नवंबर। मेले का जो हमारा पांडाल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं इस तारीख हमारे जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, तो आज समाप्ति है और सारी स्कूल्स का जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं इनका डांस होता है फिर से। और अभी रिजल्ट तो हमें पता नहीं चला है, हम फर्स्ट आए हैं या क्या आए हैं, अब ये देखा जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं आम लोगों ने भी मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी है। हरिद्वार में सामाजिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की। कालेश्वर मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार लगातार मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है, हालांकि कई बाधाओं के चलते अभी तक मजदूर बाहर नहीं निकल सके हैं। इसलिए उन्होंने 41 लोगों के जल्द से जल्द बाहर आने के लिए मां गंगा को दूध और फूल चढ़ाकर प्रार्थना की है। जो उत्तरकाशी में टनल में कई दिनों से फंसे हुए हैं लोग, हमने उनकी सकुशल घर लौटने की प्रार्थना की है, मां गंगा की आराधना की है कि वो सकुशल अपने घर पहुँच जाए सही सलामत। काफ़ी दिनों से फंसे हुए वहाँ पे, कई बाधाएं आ रही हैं, सरकार भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है उन्हें निकालने के लिए। तो हमने यही प्रार्थना की है कि गंगा जी माता से कि वो सकुशल अपने घर पहुँच जाए सही सलामत। ने माँ गंगा की आराधना की है, जल पुष्प और दूध अर्पित करके कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट से यहाँ रखे हैं। उत्तरकाशी में पिछले 9 से 10 दिन से टनल में जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल उनकी वापसी की हमने कामना करी है माँ गंगा जी से। वैसे तो हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है उनको निकालने का, लेकिन फिर भी हम माँ गंगा जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द सकुशल अपने घर वापस आ जाए। आज हमने गंगा माँ की पूजा करी और गंगा माँ को दूध और जल अर्पित किया, पुष्प अर्पित करे हमने। वहीं हरदोई जिले में युवक की मौत के 1 साल बाद कोर्ट के आदेश पर कब्र खोदकर उसका शव निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल पति की मौत के बाद पत्नी द्वारा संपत्ति को बेचकर अपने प्रेमी के संग चली जाने के बाद घर वालों को मौत पर संदेह हुआ। मृतक की बहनों ने अदालत के आदेश पर भाई की हत्या की FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 1 वर्ष बाद शव को
कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के चंदपुरा गांव के जावेद की शादी गांव की रुचि के साथ हुई थी। 19 अक्टूबर 2022 को जावेद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार परिजनों ने शव को कब्र में दफना दिया था। परिवार में जावेद के हिस्से की 6 बीघा भूमि उसकी पत्नी रुचि के नाम आ गई। कुछ दिन बाद रुचि ने भूमि अपने ननद सोनी मोनी रोली को बेनाम कर दिया। इसके बाद रुचि अपने प्रेमी दिलीप के साथ चली गई। रुचि और उसके प्रेमी के जाने पर बहनों को शक हुआ। 27 जुलाई 2023 को जावेद की बहन सोनी ने पत्नी और उसके प्रेमी के विरुद्ध कोर्ट के माध्यम से हत्या की FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर FIR लगा दी थी। बहन ने फिर कोर्ट की शरण लेकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस के साथ गांव पहुंचे SDM न्यायिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने कब्र से शव खोदवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। SSP दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि 1 साल पहले युवक की मौत हुई थी। बहन ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मैं दुर्गेश कुमार सिंह, एडिशनल SP पश्चिमी हरदोई। ये थाना क्षेत्र बेहटा गोकुल के गांव चंदपुर का ये प्रकरण है, जहां पे एक सोनी नाम की महिला ने FIR पंजीकृत कराया था कि इनके भाई जावेद की हत्या करके और शव को कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया गया। इन्होंने आरोप लगाया कि भाई की पत्नी और उनके एक और परिचित जो जानने वाले थे, इन्होंने ही हत्या किया है। इसमें विवेचना के दौरान शव को कब्र से निकाल के PM के लिए भेजा गया है। इसमें PM रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये करीब 5 महीने बाद ये निकाला गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। असल वजहों की होगी तलाश, जहन में उठे हर सवाल पर होगी बात, हर वो सवाल जो है आपके लिए अहम, बताना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए हर वो खबर जो बनती है आपकी पावर। अभी डाउनलोड करें NewsWall India ऐप और बने समाज की आवाज। NewsWall India देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमने NewsWall India ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है। हम घर घर तक, गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं, हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें, तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद, तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर NewsWall India ऐप, यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए NewsWall India ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कानपुर थाना चेकरी अंतर्गत अहिरवा स्थित संजीव नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक संजीव नगर निवासी गणेश निषाद और उसके बेटे दीपक निषाद का किसी बात को लेकर देर रात झगड़ा हो गया था। झगड़े के चलते दोनों में गंभीर रूप से मारपीट हुई, जिस पर पिता ने बेटे दीपक निषाद की हत्या कर दी। वहीं DCP तेज स्वरूप ने बताया कि मृतक दीपक निषाद की मौसी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या के कारणों के साथ हत्या किस चीज से की गई है, इसकी भी छानबीन की जा रही है। पिता द्वारा बेटे की हत्या के मामले में इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। आज लगभग 11:30 बजे सूचना मिली थी थाना चकेरी अंतर्गत चौकी अहिरवा के अंतर्गत संजीव नगर में एक व्यक्ति की, उसके बाप ने हत्या कर दी है, मतलब बाप ने बेटे की हत्या कर दी। इस सूचना पर पुलिस यहाँ पर आई, सभी अधिकारी आए और इसमें मौके का जो निरीक्षण, लोगों से पूछताछ की गई, उससे
बात यह आई कि रात में बाप बेटे में दोनों में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद जो है उसका पिता जो है इसकी हत्या करके भाग गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हो गया है। सोमवार को खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर के बड़े चौराहे पर बने शॉपिंग मॉल में छापेमारी की। खाद्य विभाग की टीम ने शॉपिंग मॉल में बने सभी फूड कोर्ट में चेकिंग की, लेकिन जिस प्रोडक्ट पर रोक लगाई गई है खाद्य विभाग की टीम को वो प्रोडक्ट नहीं मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पटेल ने बताया कि हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद जांच की जा रही है। उनका कहना था कि जिस पर रोक लगाई गई है वो चीज़ यहाँ नहीं मिली है। खाद्य सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय के निर्देशानुसार ये हलाला प्रमाणन पर जो रोक लगा दी गई शासन की तरफ से एक सूचना जारी करके, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी टीमें यहाँ पर जांच कर रही पूरे जिले पर। वहीं बिजनौर के थाना नूरपुर पुलिस की खनन माफियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मिट्टी के खनन में लिप्त 6 ट्रैक्टर और एक लोडर मशीन को पुलिस ने सीज किया है। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। मामला थाना नूरपुर के ढेरी देहात इलाके का है। झांसी में कुरैस कॉन्फ्रेंस सामाजिक संस्था द्वारा शहीदों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी हजरत टीपू सुल्तान का 213वां और रानी लक्ष्मीबाई का 194वां जन्मोत्सव मनाया गया। क्रांतिकारी वीर साथी शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राजगुरु, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद सुखदेव, ब्रिगेडियर उस्मान खान, शहीद वीर अब्दुल हमिद, शहीद गुलाम गौस खां आदि महापुरुषों को याद किया गया और उन्हें सलामी दी गई। कॉन्फ्रेंस में शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि हमें गर्व है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों पर। ऐसा दिन है जिस दिन अमर शहीदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम किया गया। सारे लोग जानते हैं कि चाहे वीरांगना लक्ष्मीबाई हों, झलकारी बाई हों, गुलाम घोसला हों, टीपू सुल्तान हों, पेशवा साहब हों, सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों। वहीं एटा के सकीट ब्लॉक के चिलामपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षा मित्र प्रमिला देवी की शिकायत ग्राम बिलरामपुर ब्लॉक सकीट के निवासी सतीश द्वारा की गई है। शिकायत एटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी से करते हुए कहा गया है कि प्रमिला देवी ने अपना असली उम्र में हेरा फेरी कर शिक्षा मित्र की नौकरी प्राप्त कर लेने और लगातार वेतन अहरित करने का संगीन आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता सतीश आज एटा के जिला अधिकारी प्रेम रंजन से मिले और उसने उनको अपनी पूरी शिकायत बताई। सतीश ने जिला अधिकारी एटा को दिए अपने शिकायत पर प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रमिला देवी के मायके की टीसी के अनुसार उसका जन्म 1974 का है, जबकि इसके बाद कागजों में हेरा फेरी करके जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकीट की टीसी में 1983 जन्म की बात कही गई है। उनकी इसी शिकायत पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस शिक्षा मित्र की नौकरी के वेतन को रोका था और जांच टीम गठित कर दी थी, परंतु वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने इसका वेतन भी निकाल दिया है, जिससे सरकारी राजस्व को हानि हो रही है। ये मामला ऐसा है जैसे प्रमिला देवी पत्नी सुरेश चंद जो शिक्षा मित्र हैं प्राइमरी विद्यालय चिलमापुर में सकीट ब्लॉक, जो BSA के जहाँ हमारे द्वारा शिकायत करी गई फर्जी तरीका से अपनी जन्मतिथि को फिर बदल करके और नौकरी कर रही हैं। आज दिन तक BSA द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। जो पहले BSA थे उनके द्वारा संजय सिंह द्वारा मानदेय रोक दिया गया था और कमेटी गठित करी गई।
पहली नंबर इनकी जन्म से जो असली जन्म से थे इनकी मायके की वहाँ से टीसी लगी हुई है तो 1974 है। 1974 इन्होंने यहाँ पर जो जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकीट में है उससे फर्जी टीसी बनवा करके 83 करा दी और इनके लड़के की उम्र 96 है, 12 साल के डिफरेंस में बच्चा भी हो गया और इनके मतलब नौकरी भी कर दी। वहीं झांसी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चोर चोरी की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। यह पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हंसारी का है जहां जिज्ञासा कॉन्वेंट स्कूल के पास स्थित एक मकान में चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। आइए पहले हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल पीड़िता और सामने रहने वाले पड़ोसी से आपसी विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। जब पीड़िता घर आई तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब थी और सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए मिले। जब पीड़िता ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो पड़ोसी और चोर की करतूत सामने आ गई। सीसीटीवी में पड़ोसी महिला के साथ चोर खड़ा नजर आया। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि सीसीटीवी फुटेज में चोर और पड़ोसी महिला साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई न होने से स्थानीय पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता के भाई ने बताया कि पुलिस आई और कैमरे की जांच की। पुलिस ने हमसे कहा था कि चोर कैमरा तोड़ने आए थे, चोरी करने नहीं आए थे। हंसारी चौकी और प्रेमनगर थाने से कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित SSP ऑफिस पहुंचे जहां SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने मामले को बारीकी से समझा और चोर के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे घर पे चोरी हो गई सर। सामने वाले की एक दो औरतें हती, एक टॉर्च बता रही थी, हाथ बता रही थी, सारा करा था। लाल टी शर्ट पे रहता, एक लड़का मुँह बांधे था, पहला छत पे दूसरे छत पे से चढ़ो और बाने कैमरा टूरी, कैमरा टूट आर के फिर अंदर गाओ नहीं तो हमारे 20,000 रुपया हते। झुमकी एक हार, एक मंगलसूत्र सात तब जिगा को और हाफ पीटी और पायल है सब ले गए, कुछ नहीं बचा सर। मेरी बहन जी की रात में चोरी हुई, जब रात में हम लोग घर पे नहीं थे, 12-1 बजे गए थे एक थाने के पास, तो मेरे रात में आए 1 बजे के लगभग। जब हमने देखा तो हमारे सारे कैमरे टूटे हुए थे, कैमरे टूटे देखा तो फिर हम अंदर घुस के गए तो वहाँ देखा तो उनकी अलमारी टूटी हुई थी। तब हमने अपना रिकॉर्डर खोला, टीवी सीसीटीवी कैमरा, उसमें साफ साफ रिकॉर्ड आया कि सामने की जो महिला थी, जो चोर हमारे घर में घुसा है, उस सामने पहले महिले के घर पे गया, छत पे महिला से बात होती रही। प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है जहां बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक को गोली मार दी जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रक चालक का सही समय पर इलाज होने के कारण जान बच गई। बदमाशों ने ट्रक लूटने के प्रयास में ट्रक चालक को गोली मारी, वहीं ट्रक चालक का साथी भी घायल हो गया। ट्रक भोपतपुर सहसों के पास शौच के लिए रुकी थी, चालक बदमाशों को देख ट्रक लेकर भागने लगा, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जंग बहादुर यादव, सहायक पुलिस आयुक्त थरोई, कमिश्नरेट प्रयागराज में कार्यरत हूँ। आज दिनांक 21/11/2023 को थरवई थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपतपुर हाईवे के पास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगी है जो खतरे से बाहर है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। तहरीर में लूटपाट का जिक्र नहीं किया गया है, प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं श्रावस्ती में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विकासखंड इकौना के भगवानपुर बनकट उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा, MLC साकेत मिश्र और विधायक रामफेरन पांडे ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए जिसका DM ने निरीक्षण किया। साथ ही DM ने चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही निस्तारण करवाया। साथ ही बची शिकायतों को सूचीबद्ध कर जल्द निस्तारण के DM ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं भारी संख्या में स्थानीय लोग और शिकायतकर्ता आवेदनकर्ता मौजूद रहे।
प्रत्येक साल की तरह इस साल भी विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, जिसका थीम एक्सेस टू डायबिटीज केयर। इसी क्रम में श्रावस्ती में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि वर्तमान में पूरे विश्व में 537 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं, और जिसमें भारत में लगभग 100 मिलियन लोग ग्रस्त हैं और 137 मिलियन से ज़्यादा प्री डायबिटिक है। मधुमेह की रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव और दवा का संयोजन शामिल है। नियमित रूप से चलना, तैराकी, योग आदि के माध्यम से शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, विश्राम तकनीकी और अच्छी नींद के माध्यम से तनाव और चिंता से निपटना, धूम्रपान छोड़ने के साथ साथ शराब और कैफीन का सेवन नियंत्रित करना। मधुमेह होने का मतलब है कि आपको दिल की बीमारी होने की अधिक संभावना है। मधुमेह वाले लोगों में कुछ जोखिम कारक होने की संभावना अधिक होती है, जैसे उच्च रक्तचाप या उच्च कोलेस्ट्रॉल, जो दिल की बीमारी जैसे दिलों का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना को बढ़ाता है। वहीं यूपी के पीलीभीत में सीएमओ आलोक कुमार ने परिवार नियोजन रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस रैली में पुरुषों को जागरूक किया जाएगा। परिवार नियोजन रैली के माध्यम से जिले के सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। महिला नसबंदी के साथ साथ पुरुषों की नसबंदी भी परिवार नियोजन में काफ़ी मददगार साबित होगी। सरकार का उद्देश्य भी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। जनसंख्या वृद्धि को लेकर सरकार भी चिंतित है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण करने में तमाम कानून भी सरकार बना रही है और उसको अमल में लाने की बात कर रही है। वहीं पीलीभीत मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक कुमार ने परिवार नियोजन रैली का आज सीएमओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। देखिए, ये जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम है, फैमिली प्लानिंग, वो सिर्फ नसबंदी तक सीमित नहीं है, उसमें सारी ही चीज़ें हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार में दो बच्चों के बीच में अंतराल रखना, ताकि सुरक्षित गर्भ हो और बच्चे, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। उसमें अलग अलग तरीके हैं। हम बास्केट ऑफ चॉइस प्रस्तुत करते हैं लाभार्थी के सामने, एलिजिबल कपल के सामने। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।